वेलकम फ्रेंड्स। केंद्र सरकार के 55 लाख ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख ज़्यादा पेंशन भोगों के होली के पावन पर्व पर सरकार ने कर दिया बम्पर ऐलान। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त। कर्मचारियों की डीए में अपार बढ़ोतरी के बाद मार्च माह वेतन के साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ने पर न्यूनतम वेतन 8,000 रुपये बढ़कर साथ में 18 माह बकाया डी एरियर का इसी सप्ताह भुगतान 1.5 लाख रुपये तक खातों में और फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.67% होते ही वेतन और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और जवानों से संबंधित वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को होली के तुरंत बाद बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार 8 मार्च को होली के बाद डीए दर बढ़ाने के अपने फैसले की घोषणा कर सकती है। हालांकि डीए बढ़ोतरी की घोषणा को सही तारीख की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधिकारिक आदेश के आने तक का इंतजार करना होगा। ऐसी उम्मीद है कि सरकार कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत यानी डीआर दरों में क्रमशः 4% तक की बढ़ोतरी की मंजूरी देगी। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की नई दर बढ़कर 42% हो जाएगी। नए साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इसके शुरू होने के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा अपडेट आ गया है। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में जल्दी पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पहले उम्मीद थी कि साल खत्म होते होते सरकार इस पर फैसला लेकर कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्दी फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को लेकर कई दौरे की बैठकें हो चुकी है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर गहन विचार विमर्श किया जा चुका है। फिलहाल यह साल 2016 से 2.57 गुना दिया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी से बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने की मांग करते आ रहे हैं। अगर सरकार इस मांग पर विचार विमर्श करती तो फिर कर्मचारियों को जोरदार फायदा देखने को मिलेगा। आखिरी बार जब फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6,000 रुपए से बढ़कर सीधी 18,000 रुपए कर दी गई थी। वहीं सरकार अगर इस बार इसमें इजाफा करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगी।